हाइपरलिंक्स का यूज करके हम किसी यूजर को किसी और वेब रिसोर्स, फॉर एग्जांपल किसी वेब पेज पे, किसी इमेज पे, किसी वीडियो पे भेज सकते हैं। पर कई बार हम ये चाहते हैं कि जो यूजर है वो हमारे पेज पे ही वीडियो देखे, हमारे पेज पे ही इमेजेस देखे, यानी हम इमेजेस, वीडियोस, डिफरेंट रिसोर्सेज को अपने ही वेब पेज पे एम्बेड करना चाहते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इमेजेस को कैसे एम्बेड किया जाता है अपने वेब पेजेस में। इमेजेस को अपने पेज में ऐड करने के लिए हम img एलिमेंट का यूज करते हैं। ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है और ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, यानी ये सेल्फ कंटेंड है, यानी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, यानी इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होते, एक ही टैग होता है और उसी के अंदर हम इमेज का सोर्स देते हैं यूजिंग द सोर्स एट्रीब्यूट। तो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वहां पर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इमेज उसी डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर में है जिसमें आपकी फाइल है, तो आप सिंपली इमेज का नाम दे देंगे। अगर वो किसी और फोल्डर के अंदर है, किसी मान लीजिए किसी सब फोल्डर में है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप पूरा रिलेटिव पाथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर आपने इमेज डाली है, तो आप पहले उस डायरेक्टरी का नाम देंगे और उसके बाद इमेज का नाम देंगे। अगर कोई एक्सटर्नल इमेज है, यानी आप किसी और जगह से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप इमेज ला रहे हैं, तो आप एक्सटर्नल पाथ देंगे, यानी आप बाहर से भी इमेजेस को एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। यहां मैंने एक इमेज डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है, साथ ही साथ मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने अपनी इमेज फाइल रखी है। तो सोर्स एट्रीब्यूट में इमेज एलिमेंट के मैं वो पूरा पाथ दूंगा, इमेजेस फोल्डर और उसके बाद फाइल का नाम। इसको देखते हैं ये इमेज कैसे दिखती है वेब ब्राउजर में। आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउजर में ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, बट ये इमेज बहुत ही बड़ी है। अभी तक हमने वेट और हाइट अपने इमेज की सेट नहीं की है, आगे हम इसको भी सेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हम किसी एक्सटर्नल इमेजेस को, यानी किसी बाहरी इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहां मैंने सोर्स एट्रीब्यूट में एक एक्सटर्नल पाथ यूज किया है। ये वो API है जिसका यूज करके हम किसी भी रैंडम इमेज को जो नेचर और वाटर से रिलेटेड है हम दिखा सकते हैं। ये वो API, ये वेबसाइट है, इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, एक रैंडम इमेज दिखाई जाएगी मेरे वेब पेज पे। तो इसको देखते हैं वेब ब्राउजर में कैसे दिखती है। अगेन, हमारी इमेज तो दिख रही है पर ये काफी बड़ी है क्योंकि इसकी विड्थ तो हाइट अभी तक हमने इमेज एट्रीब्यूट में सेट नहीं की है। सोर्स एट्रीब्यूट के अलावा, जो कि आपको हमेशा देना ही होता है, विदाउट सोर्स एट्रीब्यूट तो आप इमेज डिस्प्ले ही नहीं कर पाएंगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है कि कंटेंट ऑफ इमेज क्या है, यानी इमेज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इमेज एलिमेंट है, हमने सोर्स दिया, यानी ये आपका पाथ है जहां पर इमेज पड़ी है वहां से उठाएगा ये एलिमेंट, और उसके बाद आपने एल्ट एट्रीब्यूट दिया। एल्ट एट्रीब्यूट में आपने डिस्क्राइब किया इमेज को कि इमेज किसके बारे में, एक पल्सर स्टार के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, SEO के परस्पेक्टिव से, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना है अपने पेज का, तो आपके पेजेस में जितने भी इमेजेस पड़ी हैं उसमें आप इंश्योर करिए कि एल्ट एट्रीब्यूट हो, यानी डिस्क्राइब किया गया हो उस इमेज को कि वो किसके बारे में। इसका एक यूज ये भी है कि जब मान लीजिए आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई, मान लीजिए वो अवेलेबल नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्पीड बहुत स्लो होती है इंटरनेट की और इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है, तो उसकी जगह फिर ये ऑल टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। तो उसकी वजह से जो एक प्लेस होल्डर बनता है, img एलिमेंट जो होता है वो एक प्लेस होल्डर बनाता है जहां पर आपकी इमेज डिस्प्ले होती है। तो वहां पर इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो एटलीस्ट एक लाइन आपकी ऑल्ट में, जो आपने डाली है ऑल्ट एट्रीब्यूट में, एटलीस्ट वो डिस्प्ले होगी जो बताएगी कि यहाँ पर जो इमेज आनी थी वो किसके बारे में थी। यानी दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऑल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, सर्च इंजन्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि वो रीड करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट में आपके क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट टेक्स्ट को रीड करेंगे। साथ ही साथ जो एंड यूजर है उसके पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें तो भी आपको ऑल्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ इस इमेज एलिमेंट में सोर्स एट्रीब्यूट के अलावा मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट भी यूज कर रहा हूँ। ऑल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने दी है ए पल्सर स्टार, इसी को हम ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। तो जस्ट इन केस अगर हमारी इमेज शोकेस नहीं होती है, डिस्प्ले नहीं होती है वेब ब्राउजर में किसी वजह से, किसी कारण से, तो उसकी जगह ये ऑल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है, यानी मैंने गलत बात दी है, हमारी जो इमेज है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है पर यहाँ पर मैंने उसका यूज नहीं किया, इसलिए ये गलत पाथ दिया है मैंने सोर्स के अंदर,
तो ऑब्वियसली हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी वेब ब्राउजर में, तो उसकी जगह क्या डिस्प्ले होगा? ऑल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं इमेज हमारी डिस्प्ले नहीं हुई, उसकी जगह क्या डिस्प्ले हो रहा है, जो मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के लिए बल्कि जो स्पाइडर्स आते हैं सर्च इंजन के, वो भी जरूर पढ़ेंगे कि आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाला है, ताकि इसी का यूज करके वो समझ पाए कि आपका वेब पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो एसईओ के पर्सपेक्टिव से भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये चीज बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। जैसा कि हमको पता है आईएमजी एलिमेंट एक प्लेस होल्डर का काम करता है, जहां पर हमारी जो इमेज है जहां से भी आती है, वो चाहे हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट में पड़ी हो या आप एक्सटर्नल इमेज का आपने पाथ दिया हो, तो वो डिस्प्ले होती है। तो अच्छा ये होता है कि आप इसका जो ये बॉक्स बनेगा जिसके अंदर आपकी इमेज डिस्प्ले होगी, उसकी विड्थ और हाइट आप पहले से बता दें, क्योंकि अगर आप नहीं बताते तो कई बार ऐसा होता है लोडिंग होते हुए पेज फ्लिकर करता है, राइट। तो हम यूज करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का फिगर की, इमेज की विड्थ और हाइट को बताने के लिए, उनको एसर्टेन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज एलिमेंट का यूज किया है, उसका सोर्स दिया है, ये सोर्स है, ऑल्ट एट्रीब्यूट भी यूज किया है, और साथ ही साथ स्टाइल एट्रीब्यूट भी मैंने यहाँ पर यूज किया है, जो बता रहा है कि उस इमेज की विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी, यानी जो बॉक्स बनेगा वो कितनी हाइट का होगा और कितनी उसकी विड्थ होगी। इसके अलावा, स्टाइल एट्रीब्यूट के अलावा, आप चाहें तो विड्थ और हाइट ये अलग एट्रीब्यूट भी होते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी विड्थ एट्रीब्यूट करके भी एक एट्रीब्यूट होता है और हाइट एट्रीब्यूट करके भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो इसकी जगह, स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह आप उन दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर जनरली स्टाइल एट्रीब्यूट को प्रेफर किया जाता है। यहाँ इस इमेज एलिमेंट में सोर्स और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अलावा मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज किया है। इसका यूज करके मैंने इमेज की विड्थ और हाइट सेट किए। विड्थ होगी 600 पिक्सल्स और हाइट होगी 500 पिक्सल्स, यानी जो प्लेस होल्डर है जिसके अंदर हमारी इमेज दिखाई देगी, उस बॉक्स का साइज मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्योंकि हमारी इमेज बहुत बड़ी दिख रही थी, अब वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसको देखते हैं वेब ब्राउजर में कैसा दिखता है। अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज वैसे तो बहुत बड़ी है, पर क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके सेट कर दी है, इसलिए अब ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। HTML में रिसेंटली दो एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने सेल्फ कंटेंट मीडिया एलिमेंट्स को सिमेंटिकली मार्कअप करने के लिए। उसमें से एक है फिगर एलिमेंट, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसका यूज किया जाता है सिमेंटिकली मार्कअप करने के लिए सेल्फ कंटेंट कंटेंट को। जनरली मीडिया ही होता है सेल्फ कंटेंट, हमने देखा था इमेजेस IMG एलिमेंट सेल्फ कंटेंट था, यानी ब्लैंक एलिमेंट था, एम्प्टी एलिमेंट था, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, वो उसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग नहीं होता है, वो अपने आप में सेल्फ कंटेंट होता है। ऐसे ही ऑडियो के लिए भी हम यूज कर सकते हैं फिगर का, इस एलिमेंट का, वीडियो के लिए भी, अगर आप कोड स्निपेट अपने पेज में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिगर एलिमेंट के अंदर आप एक से अधिक सेल्फ कंटेंट कंटेंट भी रख सकते हैं, यानी एक से अधिक इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स। ऑब्वियसली एक फिगर के अंदर, एक फिगर एलिमेंट के अंदर आप जो भी मीडिया रखते हैं, कोई जो भी आप सेल्फ कंटेंट मीडिया रख रहे हैं, वो आपस में कुछ उनका थीम सेम होना चाहिए, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा आप फिगर एलिमेंट के अलावा फिग कैप्शन एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये यूज होता है कैप्शन देने के लिए आपके फिगर एलिमेंट को, यानी फिगर एलिमेंट के अंदर, मान लीजिए आपका फिगर एलिमेंट है, इसके अंदर आपने कई सारे सेल्फ कंटेंट कंटेंट डाले हैं, इमेजेस डाली है आपने, ऑडियो डाला है, वीडियो डाला है, जो भी डाला है, तो उसका कैप्शन देने के लिए, वो किसके बारे में, उसका एक टाइटल देने के लिए हम फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। मगर अगर आपने फिगर एलिमेंट के अंदर सिर्फ, मान लीजिए सिर्फ एक इमेज ही डाली है, यानी एक इमेज ही आपके फिगर एलिमेंट के अंदर पड़ी हुई है, तो आपका जो फिग कैप्शन एलिमेंट है वो ऑल्ट एट्रीब्यूट का एक तरह से काम करेगा। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट की जगह आप फिग कैप्शन एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फिगर के बारे में एक्सप्लेन ही करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा फिगर एलिमेंट है, इसके अंदर हमने अपनी इमेज डाली है, ये एक सेल्फ कंटेंट कंटेंट है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक ही टैग होता है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, और ये हमारा सोर्स है उस इमेज का। साथ ही साथ हमने एक फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज भी किया है, जिसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया है कि ये फिगर, ये इमेज किसके बारे में, एक तरह से ऑल्ट एट्रीब्यूट का जो हम यूज करते हैं वो यूज यहाँ पर हम फिग कैप्शन का यूज करके कर रहे हैं, यानी फिगर को, अपनी इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फिग कैप्शन अगर हम यूज करेंगे
वो हम कहीं भी कर सकते हैं फिगर एलिमेंट के अंदर, यानी फिगर जो एलिमेंट है हमारा उसके अंदर फिर कैप्शन हम स्टार्टिंग में, बीच में या एंड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर एक बार ही यूज होगा, यानी फिर कैप्शन आप एक से अधिक बार यूज नहीं कर सकते। इसलिए मान लीजिए आपने अगर एक से अधिक इमेज डाली है अपने फिगर एलिमेंट के अंदर और आप फिक कैप्शन यूज करते हो, आप एक ही बार कर पाएंगे तो वो सारी इमेजेस को डिस्क्राइब करेगा, यानी उन सब इमेजेस के लिए वो उनका डिस्क्रिप्शन देगा, इंडिविजुअल इमेजेस का डिस्क्रिप्शन नहीं देगा। इंडिविजुअल इमेज का डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको तब ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ फिगर एलिमेंट के अंदर मैंने अपनी इमेज रखी है, इमेज के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज भी किया है ताकि मेरी इमेज बहुत बड़ी ना दिखाई दे, प्रॉपरली डिस्प्ले हो वेब ब्राउजर में। फिक कैप्शन के अंदर मैंने उस इमेज को डिस्क्राइब भी किया है, ए ब्यूटीफुल पर्सनल स्टार। इसको देखते हैं कैसा दिखता है वेब ब्राउजर में। आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है और नीचे एक लेबल भी आ रहा है बनके, जो फिक कैप्शन के अंदर मैंने लिखा था ए ब्यूटीफुल पर्सनल स्टार, वो चीज डिस्प्ले हो रही है, यानी एक लेबल की तरह काम कर रहा है, एक कैप्शन की तरह काम कर रहा है मेरी इमेज के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मीडिया एलिमेंट्स होते तो भी ये यहाँ पर ऐसे ही डिस्प्ले होता और तब ये पूरे ग्रुप के लिए उसका लेबल की तरह काम करता है। यहाँ पे क्योंकि एक ही इमेज है तो ये इस इमेज के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं इमेज का पाथ चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजेस की जगह इमेज लिखूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी इमेज अब डिस्प्ले नहीं होगी, तो अब सिर्फ बॉक्स बन के आएगा, पर फिर भी मेरा जो लेबल है वो डिस्प्ले अभी भी होगा।